हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल योर इंडियन फूडीज। दोस्तों, आज मैं शाही दम आलू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है, साथ ही साथ ये इतने मज़ेदार से होते हैं कि इसे खाने के बाद आप पनीर खाना भूल जाओगे। बच्चे भी इस रेसिपी को बहुत ही मन से खाते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 से 12 बेबी पोटैटोज लिए हैं, जिसे मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। अगर आपको ये बेबी पोटैटोज नहीं मिलते हैं तो आप बड़े आलू को भी ऐसे 4 पीसेस में कट करके यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में बेस ग्रेवी के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, कुछ टुकड़े काजू के लिए हैं, 3 हरी मिर्च के लिए है, 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं, कुछ लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक के लिए है। तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन मिर्ची और काजू के पेस्ट बनाएंगे, और जो प्याज है उसे हम बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले आलू को अच्छे से प्रेक कर ले। इससे क्या होगा कि जब हम इस आलू को ग्रेवी में मिलाएंगे तो जो मसालों का फ्लेवर है ना, वो बहुत ही अच्छे से आलू के अंदर तक सोक करेगा। तो नेक्स्ट, मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और अभी मैं इसमें ये बेबी पोटैटोज ऐड करूँगी। और इस पोटैटोज को हमें हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आप किसी गेस्ट को बना के खिलाओगे ना, तो वो भी आपसे पूछेंगे कि आपने इसे किस तरीके से बनाया, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोटैटोज़ है वो बिल्कुल गोल्डन से हो गए हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो अभी मैं एक एक करके इन पोटैटोज़ को निकाल लूँगी। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। नेक्स्ट, मैंने एक बोल में 2 टेबलस्पून कर्ड लिया है। कर्ड बिल्कुल फ्रेश लेने हैं, खट्टे वाले या फिर कई दिन के रखे हुए कर्ड ना यूज़ करें। और उसके बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, और इन्हें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ पे हमारे जो दही वाले मसाले हैं वो रेडी हो गए हैं। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो जो पैन में बचा हुआ ऑयल है, मैं इसमें कुछ खड़े मसाले, तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी के ऐड करूँगी, और साथ ही 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, और इन्हें हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने 1 पीस हींग के ऐड किए हैं, इसे ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ऐड करता है। और उसके बाद मैंने बारीक कटी हुई प्याज ऐड किया है। प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और इन मसालों को भी 1/2 से 1 मिनट भून लेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। तो मसाले भी बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं इसमें जो प्यूरीज मैंने रेडी किया था उसे ऐड कर देंगे, और इन्हें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी यहाँ पे टोमेटो प्यूरीज के साथ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी। और इन मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता। तो अभी हम इसे ढककर कुछ देर ऐसे भूनेंगे। तो आप देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं, ऑयल भी काफ़ी अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, मसालों को हल्का सा ठंडा कर लेंगे।
उसके बाद मैंने जो दही वाले मसाले बनाए थे उसे हम इसमें ऐड करेंगे। हमने मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, इससे क्या होगा कि जो भी दही है वो फटेगा नहीं। तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें या फिर बिल्कुल लो कर दें तो दही बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो यहाँ पे हम दही को भी मसालों के साथ 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे। तो यहाँ पे दही भी बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं दही से भी ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे फ्राइड जो पोटैटोज़ थे उसे ऐड करेंगे और इन पोटैटोज़ को भी हम मसालों के साथ 1/2 से 1 मिनट भून लेंगे जिससे मसालों का फ्लेवर पोटैटोज़ के अंदर तक सोख करें। तो यहाँ पे हमारे जो पोटैटोज़ है मैंने उन्हें भून लिया है मसालों के साथ। अभी मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड करूंगी। आपको जितने भी थिक ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो यहाँ इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐसे क्रश करके ऐड करूंगी। इसे जरूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसके बगैर तो दम आलू बिल्कुल अधूरा है। तो इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ऊपर से अभी हम इस पर थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे और कुछ ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसे ढककर 5 मिनट पकाएंगे। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है, मतलब देखकर ही मुंह में पानी आ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो दम आलू है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, एकदम मजेदार सा बना है, एकदम भूख सी लग जा रही है देखकर ही। आप लोगों के मुंह में भी पानी जरूर आ रहा होगा। तो एक बार ये आलू को भी चेक कर लेते हैं कि आलू अच्छे से पक गया है या नहीं। दम आलू में आलू ऐसा होना चाहिए ना कि मुंह में डालते ही घुल जाए। तो आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल अच्छे से पक गया है और इसकी ग्रेवी देखिए एकदम रिच ग्रेवी बनी है, बिल्कुल पनीर में जैसे आप बनाते हो बिल्कुल वैसी ही। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से इसकी प्लेटिंग करते हैं और गर्मा गर्म राइस या चपाती के साथ सर्व करेंगे। सो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी ये शाही दम आलू की रेसिपी आप सबको? आप सब इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको और आपकी फैमिली को जरूर पसंद आएगी। तो आज की रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए खाते रहिए और खिलाते रहिए।